हाय चिल्ड्रन, सो हम लोग पढ़ रहे थे आपकी इंग्लिश की फर्स्ट पोयम. द टाइटल ऑफ द पोयम वॉज अ हैप्पी चाइल्ड. एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द एक्सरसाइज. थोड़े बहुत क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हमने कल कर लिए थे. एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, वॉट इज द कलर ऑफ चाइल्ड्स हाउस. उस बच्ची के घर का कलर क्या है. तो शुरू से हमने पोयम में पढ़ा है, स्टार्टिंग ही वहाँ से होती है, माई हाउस इज रेड. रेड बच्ची है, वो एक घर में रहती है एंड उसके घर का जो कलर है वो क्या है, रेड. सो कलर ऑफ द हाउस इज रेड. ये आपको यहाँ पे लिख देना है. नेक्स्ट देखिए, व्हाट डिड द चाइल्ड डू आफ्टर प्लेइंग. हमने पढ़ा था कि जब वो बच्ची खेल के थक जाती है, शी राइट्स व्हेन आई एम डन, है ना, यहाँ पे लिखा है ना, आई सिट अंडर इट. किसके नीचे बैठती है वो, ग्रीन ट्री के नीचे बैठती है. व्हेन ऑल माय प्ले इज डन, जब उसका खेल खत्म हो जाता है तब वो ग्रीन ट्री के नीचे बैठ जाती है. तो हमें यहीं पर लिखना है कि जब उसका खेल खत्म हो जाता है, शी सिट्स अंडर द ग्रीन ट्री. व्हाट डिड द चाइल्ड डू आफ्टर प्लेइंग, जब उसका खेल खत्म हो गया, खेलने के बाद वो क्या करती है, शी सिट्स अंडर द ग्रीन ट्री. ओके, आगे देखते हैं. यहाँ पे लिखा है हाउ डू यू फील. आपको कुछ सिचुएशंस दी हुई हैं और उनमें आपको कैसा फील होता है. अगर हैप्पी फील होता है तो आपको हैप्पी फेस बनाना है, और अगर सैड फील होता है तो आपको सैड फेस बनाना है. कैसे बनाते हैं आप हैप्पी फेस, जब आपको बनाना होता है तो आप इस तरह से बना देते हैं स्माइल, और सैड फेस में आप इस तरह से सैड फेस ड्रॉ कर देते हैं. तो यहाँ पे लिखा है व्हेन यू गेट अ न्यू ड्रेस, जब आपको कोई न्यू ड्रेस मिलती है, नए कपड़े मिलते हैं, तो आप कैसा फील करते हैं, आप खुश हो जाते हैं ना. तो यहाँ पे देखिए, मैंने ये हैप्पी फेस बना दिया है और मैंने लिख दिया है हैप्पी, राइट. अब नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन यू गेट हर्ट, जब आपको चोट लगती है तो आप कैसा फील करते हैं, आप सैड हो जाते हैं, और मैंने यहाँ पे लिख दिया है सैड. When you share your things, देखिए जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ टॉयज शेयर करते हैं, या अपनी बुक्स, स्टेशनरी, या अपना लंच शेयर करते हैं, तो हमें भी नई नई चीज़ें खाने को और खेलने को मिलती हैं, और उन्हें भी, और इससे हम लोग हैप्पी हो जाते हैं. तो यहाँ पे हमने लिखा है हैप्पी. नेक्स्ट है व्हेन योर फ्रेंड इज इल, जब आपका फ्रेंड बीमार हो गया है तो आप सैड हो जाएंगे क्योंकि आप उसको मिस करेंगे. तो यहाँ पे हमने लिख दिया है सैड. अब आगे देखिए, आगे लिखा है राइट द प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन का मतलब होता है बेटा नाम लिखना, किसी भी चीज़ का नाम लिखना. जैसे कि ये ट्री लिखा है, ट्री तो कोई भी ट्री हो सकता है, लेकिन किसी पेड़ का नाम, नीम, नीम इज द नेम ऑफ अ ट्री. तो किसी चीज का नाम लिखना कहलाता है प्रॉपर नाउन. किसी चीज का प्रॉपर नेम इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन. और एक चीज आपको याद रखनी है, जब भी आप प्रॉपर नाउन लिखेंगे, उसका जो पहला अक्षर होगा, जो फर्स्ट लेटर होगा, जो फर्स्ट अल्फाबेट होगा, वो बड़ा होगा, कैपिटल होगा. देखो इन सारे नेम्स में बाकी सारे अक्षर छोटे हैं, लेकिन जो पहला अक्षर है वो बड़ा है. द फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ अ प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज अ कैपिटल लेटर. ओके, तो अब हमसे पूछा गया है एक ट्री का नाम, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है नीम. एक फ्लावर का नाम हमने लिख दिया है रोज. एक एनिमल का नाम लायन. एक फर्नीचर का नाम चेयर. एक मैन का नाम राम. एक फ्रूट का नाम, अभी आजकल मैंगो का सीजन है तो हमने मैंगो लिख दिया है. एक बर्ड का नाम पैरेट लिख सकते हैं आप, यहाँ पिजन या पिकॉक भी लिख सकते थे. एक वेजिटेबल, एक सब्जी का नाम, हमने यहाँ टोमेटो लिख दिया है. आप यहाँ पे ओनियन भी लिख सकते हैं, है ना. उसी तरह एक टॉय का नाम, टेडी बियर इज अ टॉय, तो मैंने यहाँ टेडी लिख दिया है. एक वुमेन का नाम, यहाँ पे गीता लिख दिया है मैंने. आप अपनी मम्मा का नाम भी लिख सकते हैं. तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 आज हमने सॉल्व करे हैं. आपको ये अपनी बुक्स में भी करने हैं. और मैं आपसे जल्दी दोबारा मिलूंगी. बाय बाय, टेक केयर.